उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के इस ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आप सभी तलबा व तालबात का मैं डॉक्टर सफीना समावी खैर मकदम करती हूँ। आज के इस लेक्चर सेशन में हम एमए का पेपर पढ़ेंगे जिसका पेपर कोड है MAUR 102 और पेपर का नाम है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख। इस पेपर में हम सबसे पहले ब्लॉक 1 की यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। आइए अब देखते हैं कि हम यूनिट 1 में किन किन चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले इसमें ज़बान की यूनिट 1 में ज़बान की तारीफ और हिंद आरई ज़बान का इर्तका, ये दोनों टॉपिक कवर करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज़बान किसे कहते हैं। इंसान जब आपस में गुफ्तगू करता है, एक दूसरे को अपने ख्यालात का इजहार करता है, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है, तो उसके लिए जिस वसीले का इस्तेमाल करता है उसको हम ज़बान कहते हैं। जैसे कि ज़बान आवाज़ और अल्फाज का मजमूआ है, यानी हम ज़बान के ज़रिए आवाज़ अपनी जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं तो वो हमारी आवाज़ के ज़रिए दूसरों के कानों तक पहुंचती है और दूसरे उसे अपने कानों से सुनते हैं और उसे कैप्चर करते हैं। यानी कि जो कुछ भी हमने बोला उन्होंने अपने कानों के ज़रिए दूसरों ने सुना और उसको समझा। और उसके बाद दूसरा जो वसीला है वो क्या है, अल्फाज का है। अल्फाज के ज़रिए हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं, यानी कि अल्फाज और आवाज़, ये दोनों चीज़ें जब एक साथ हम आहंग होती हैं तो वो ज़बान कहलाती है और इसी वसीले से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखा जा सकता है कि ज़बान के ज़रिए इंसान अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकता है, दूसरों के अफकार और नज़रियात को भी जान सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि ज़बान ऐसा वसीला है जिसकी मदद से मालूमात का तबादला करने में हम लोगों को आसानी होती है और बातचीत करने के लिए या अपने एहसास और जज्बात और ख्यालात को एक दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस वसीले का इस्तेमाल करते हैं उसे हम ज़बान कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में ज़बान की जो तारीफ की गई है उसमें यह लिखा है कि लैंग्वेज अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन मैनुअल साइंड और रिटन सिंबल्स बाई मीन ऑफ विच ह्यूमन बींग्स एज मेम्बर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप एंड पार्टिसिपेंट इन इट्स कल्चर एक्सप्रेस देमसेल्व्स। यानी कि लोग ज़बान के ज़रिए अपने आप को, यानी कि समाजी या माशरती जो गिरोह है या जो निज़ाम है उसके ज़रिए जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं या तबादला ख्याल करते हैं तो उस वसीले उस जब तबादला ख्याल को जो वसीला है वो ज़बान कहलाती है। इस तरह ज़बान की तारीफ़ यूँ की जा सकती है कि ज़बान एक ऐसा वसीला है तहरीरी या तकरीरी, यानी वो लिखा हुआ भी हो सकता है और ज़बान के ज़रिए बोला भी जा सकता है, जिसके ज़रिए एक जानदार अपनी ज़हनी कैफियत या बात को दूसरे जानदार तक पहुंचा सकता है। तो इस तरह आपने समझा कि ज़बान हम उस चीज़ को कहते हैं जो एक वसीला है और जिसके ज़रिए हम अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के ख्यालात को समझते हैं या हम तक उनके ख्यालात पहुंचते हैं। अब दूसरे टॉपिक इस यूनिट में जो है हिंद आर्याई ज़बान का इर्तका। हिंद आर्याई ज़बान जो है एक ज़बानों का एक ख़ानदान है, यानी हिंद आर्याई ख़ानदान के अंदर कई ज़बानें आती हैं। तो हिंद आर्याई तक पहुंचने से पहले हमें दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों की मुख्तसर सी तारीख जानना ज़रूरी है जिसके ज़रिए हम ये जान सकेंगे कि हिंद आर्याई ज़बान कहाँ से आई, वो किस इलाके में बोली जाती थी और वो कौन से लोग थे जो हिंद आर्याई ज़बान बोलते थे। सबसे पहले हम दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों की गिरोहबंदी देखेंगे जिसमें माहिर लिसानियात ने, जो ज़बान के माहिर हैं, उन लोगों ने दुनिया में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं उन सभी ज़बानों को 8 गिरोहों में तकसीम कर दिया है। यानी तमाम ज़बानों को 8 हिस्सों में, 8 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इन हिस्सों को आप देखिए कि पहला हिस्सा इसमें है सामी ख़ानदान। सामी ख़ानदान में जो ज़बानें आती हैं वो है अरबी और इब्रानी। अरबी और इब्रानी ज़बानें सामी ख़ानदान के ज़ेल में रखी जाती हैं। दूसरी है द्रावड़ी ख़ानदान, यानी हिंदुस्तान की बहुत सारी ज़बानों का सिलसिला द्रावड़ी ख़ानदान से मिलता है, जिसमें जो अहम ज़बानें हैं वो हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये चारों ज़बानें हिंदुस्तान के द्रावड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। उसके बाद आता है हिंद चीनी। इस हिंद चीनी में चाइनीज़ के अलावा बर्मी ज़बानें और हिमालवी ज़बानें भी शामिल हैं। उसके बाद अफ्रीका के बांतो, इसमें अफ्रीकी मुल्क के जो बाशिंदे हैं, यानी अफ्रीकी खत्ते में जो रहने वाले लोग हैं, वो जो ज़बानें बोलते हैं उन्हें उसको अफ्रीका के बांतो ख़ानदान के ज़ेल में रखा जाता है और इसकी 150 शाखें दुनिया भर में फैली हुई हैं। अमरीकी ख़ानदान उसके बाद आता है, जिसमें अमरीकी ख़ानदान में तमाम यूरोपीय ज़बानें आ जाएंगी, जिसमें फ्रेंच है, जर्मन है, इंग्लिश है, इस तरह की ज़बानें शामिल हैं।
मलायाई ख़ानदान, इसमें मलाया के ज़बानें जैसे मलेशिया है, हांगकॉन्ग है, सिंगापुर है, इन तमाम इलाकों में जो ज़बानें बोली जाती हैं वो मलायाई ख़ानदान के ज़ेल में आएंगी। इसके बाद मंडा है, ये ज़बान ज़्यादातर वहशी कबीलों और पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है, यानी पहाड़ी लोग जो ज़बानें बोलते हैं उसको मंडा ख़ानदान में माहिर लिसानियात ने रखा है। इसके बाद हिंद यूरोपीय ख़ानदान, हिंद यूरोपीय ख़ानदान जैसा कि हम लोगों को हिंद आर्याई ख़ानदान पढ़ना है, तो हिंद आर्याई का जो ताल्लुक़ है वो जाके हिंद यूरोपीय ख़ानदान से मिलता है, इसलिए हिंद यूरोपीय ख़ानदान जो ज़बानों के ख़ानदान में सबसे ज़्यादा बड़ा ख़ानदान है और सबसे ज़्यादा वसी इलाके में यही ज़बानें बोली जाती थी। ये दुनिया के सबसे बड़े इलाके में बोली जाने वाली ज़बान है और हिंद यूरोपीय ख़ानदान आगे चलकर पहले हिंद ईरानी के बाद हिंद आर्याई में तब्दील हो जाता है। अब हिंद यूरोपीय ख़ानदान की हम पहले मुख्तसर तारीख जानेंगे कि हिंद यूरोपीय ज़बानों का ख़ानदान कहाँ पर है, दुनिया में किस जगह पर ये ज़बानें बोली जाती हैं और कौन से लोग इनको बोलते हैं। आप इसको देख सकते हैं इस नक्शे में, हिंद यूरोपीय का जो ख़ानदान है वो ये पूरा ख़ानदान जो आप नीले रंग में देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया के मैप में आप हिंदुस्तान से लेकर ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये तमाम इलाका जो है हिंद यूरोपीय ख़ानदान का इलाका है। इसके अलावा जो हिंद यूरोपीय ख़ानदान की जो कुछ और ज़बानें हैं वो हैं हिंद ईरानी, आर्मेनी, अल्बानी, यूनानी, अटलांटिक यानी अतालवी जिसमें कहते हैं, बाल्टो स्लाविक, यूनानी और कैल्टिक, ये तमाम ज़बानें 8 ज़बानें हैं और ये तमाम अलग अलग खित्तों में बोली जाती हैं। और ये इसको इस नक्शे के ज़रिए दिखाया गया है कि किस किस इलाके में कौन कौन सी ज़बान बोली जाती है, जैसे अल्बानवी है तो ये छोटे से इस इलाके में बोली जा रही है, इसके बाद अर्मेनी है तो ये छोटे से ये पर्पल कलर में जिसे आप बैगनी कलर में देख सकते हैं यहाँ पर बोली जा रही है, बाल्टो स्लाविक है ये इस खत्ते में बोली जा रही है, और बाल्टो स्लावी है तो ये पूरा ये एरिया जो रशिया को भी ले रहा है और पूरा सेंट्रल एशिया ले रहा है इस इलाके में बोली जाती है, सल्दी है ये कुछ छोटे छोटे से खित्ते हैं यहाँ पर बोली जा रही है, जर्मनी है ये जो है यहाँ लाल कलर दिख रहा है, रेड कलर का जो एरिया है इस इलाके में बोली जाने वाली ज़बान है, और ये यूनानी है, यूनानी यूनान के हिस्से में बोली जाने वाली ज़बान है, और हिंद ईरानी जिसका हिंद यूरोपीय से ताल्लुक़ है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि हिंद यूरोपीय ख़ानदान हिंद ईरानी और हिंद ईरानी फिर हिंद आर्याई में तब्दील हो जाता है। तो ये हिंद ईरानी का जो ये खित्ता है वो इतना बड़ा हिस्सा है जिसमें ये जुनूबी भारत यानी कि साउथ इंडिया जो है ये छूट जाता है। इस साउथ इंडिया में जो ज़बानें बोली जा रही हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, जो द्रावड़ी ख़ानदान है उसकी ज़बानें यहाँ बोली जाती हैं, जिसमें तमिल है, तेलुगू है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये तमाम ज़बानें आएंगी। तो ये हिस्सा छोड़ने के बाद ये जो पूरा नीला हिस्सा आप कवर देख रहे हैं ये हिंद यूरोपीय ख़ानदान का हिंद यूरोपीय ज़बानों का जो ख़ानदान है ये पूरे इलाके में बोली जा रही है, इसे ही हम हिंद ईरानी का भी ख़ानदान कहेंगे। अब इस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, जैसे मैक्स मिलर जो कि माहिर लिसानियात हैं, उनका कहना यह है कि हिंद यूरोपीय ख़ानदान का सिलसिला 3500 कब्ल मसीह में वस्त एशिया में नज़र आने लगा था। वस्त एशिया यानी कि जो सेंट्रल एशिया है, यानी ये पूरा हिस्सा जो दुनिया के मैप में या आप देखेंगे या वर्ल्ड मैप में आप ये जो पूरा हिस्सा देखेंगे ये वस्त एशिया का हिस्सा है, तो इस एशिया में जो ज़बान बोली जाती है उसे हम वस्त एशिया कहेंगे। तो ये हिंद यूरोपीय जो ख़ानदान है ये सेंट्रल एशिया यानी वस्त एशिया में बोला जाता था। अब वस्त एशिया में लोग कौन से रहते थे, तो आर्यों का वतन वस्त एशिया माना जाता है, यानी जो आर्य कौम के लोग थे वो इस हिस्से में रहा करते थे सेंट्रल एशिया में, और इनकी ज़बान क्या थी, हिंद यूरोपीय या आप इसे हिंद ईरानी भी कह सकते हैं। तो ये हिस्से में ये रहते थे और यहाँ पर इनकी ज़बान हिंद यूरोपीय थी। अब आर्य कौम के लोगों ज़्यादातर हिंद यूरोपीय ज़बान बोलते थे। तो आपने अब तक इतना समझा कि हिंद यूरोपीय ख़ानदान सेंट्रल एशिया में था और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो आर्य कौम के लोग थे और ये हिंद यूरोपीय ज़बान बोलते थे। अब हिंद यूरोपीय ज़बान जब आगे चल के तरक्की करने लगी तो 2000 कबल मसीह तक पहुँचते ये हिंद ईरानी में तब्दील हो जाती है और हिंद ईरानी बाद में हिंद आर्याई में तब्दील हो जाती है। हिंद आर्याई का सीधा ताल्लुक जो है आर्य लोगों की कौम से है। तो हिंद ईरानी हिंद आर्याई का ताल्लुक आर्य के कौम से मिलता है। ये कौम वस्त एशिया में मुकीम थी। अब वस्त एशिया का ये नक्शा मैंने यहाँ पर लगाया है, देखिए आप, ये इंडिया है, यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप का वो हिस्सा है जो सेंट्रल एशिया यानी वस्त एशिया कहलाता है, जिसमें देखते हैं कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और चाइना का थोड़ा सा हिस्सा और रशिया का ये इतना हिस्सा भी वस्त एशिया में लिया जाता है। तो ये जो वस्त एशिया का हिस्सा है यही आर्यों का जो है मुल्क है या आर्यों के रहने
की जगह आप कह सकते हैं, और इसी जगह से आर्य जो है हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। क्योंकि हिंद आर्य का ताल्लुक आर्यों से है, आर्यों की कौम से है, इसलिए हम इस लेक्चर में आर्यों के वतन, उनकी ज़बान और वो कहाँ कहाँ गए और किस किस जगह उन्होंने हिजरत की, इन तमाम चीज़ों पर हम फोकस करने वाले हैं। अब माहिर लिसानियत ग्रेडसन ने हिंद ईरानी ख़ानदान को 3 ज़ैली अकसाम में तकसीम किया है। पहले अभी हम हिंद यूरोपी ख़ानदान देख रहे थे, हिंद यूरोपी जो हिंद ईरानी में तब्दील हुआ उसको माहिर लिसानियत ने 3 हिस्से में किया है, तकसीम किया है, जिसमें ईरानी, पिशाची और हिंद आर्याई, ये 3 ख़ानदान आते हैं। और हिंद आर्याई ख़ानदान ये सबसे अहम ख़ानदान है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम हिंद आर्याई पर फोकस करने वाले हैं कि हिंद आर्याई ज़बानों का इर्तका किस तरीके से हुआ है। अब ये वर्ल्ड का पूरा मैप है, जिसमें आप एक साथ सेंट्रल एशिया जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान है, ये एरिया पूरा सेंट्रल एशिया है। तो इस इलाके में आर्यों के रहने की जगह है, यानी कि उनका मुल्क है, और यहीं इस इलाके से होते हुए आर्य हिंदुस्तान में दाखिल हुए। अब हिंद आर्याई ख़ानदान की मुख्तसर तारीख। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद 1500 कबल मसीह में मानी जाती है, यानी ईसा मसीह की पैदाइश से 1500 साल पहले हिंदुस्तान में आर्य दाखिल हुए थे। हिंदुस्तान में आर्य कौम की आमद मुख्तलिफ नज़रियात हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आर्य तिब्बत से आए थे, और कुछ का कहना है कि आर्य वस्त एशिया से चलकर ईरान पहुँचे और तकरीबन 1000 साल तक क़याम के बाद अफगानिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान के शमाल मगरब की सरहद पर आए। यानी कि आर्यों की आमद के हिंदुस्तान में 2 नज़रिए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि तिब्बत से आर्य दाखिल हुए, और कुछ लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान के जरिए होते हुए शमाल मगरिब की सरहद से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। अब इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि तिब्बत यहाँ है और अफगानिस्तान इस तरफ है, यानी कि तिब्बत से अगर दाखिल हुए तो वो इस एरिया से, सेंट्रल एशिया चूँकि उस तरफ है तो वो उधर से होते हुए यहाँ दाखिल हुए, इस तरफ से हिंदुस्तान में आए हैं, या अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए यहाँ पंजाब के एरिया में यहाँ दाखिल हुए। लेकिन दोनों तरफ से जब आर्य आए तो हिंदुस्तान में ही दाखिल हुए हैं। इन दोनों तरफ से जब आर्य दाखिल हुए तो हिंदुस्तान में ही दाखिल हुए हैं। तो आप इनके दाखिले का जो रास्ता है वो देख सकते हैं, इससे आपके जहन में ये बात क्लियर हो जाएगी कि आर्य कौम जो है वो हिंदुस्तान में किस रास्ते से दाखिल हुई। ये आर्यों के बारे में कुछ अहम मालूमात आपको ज़रूरी है कि आप उसे जानें। जैसे वस्त एशिया में मुकीम आर्य कौम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, एक गिरोह मशरक की जानिब गया और दूसरा गिरोह मगरिब की जानिब गया। जैसा कि अभी मैंने आपको सेंट्रल एशिया का मैप दिखाया, सेंट्रल एशिया के मैप में जो मुल्क आते हैं उन तमाम मुल्कों से जब आर्य हिजरत करा उन्होंने, तो 2 हिस्सों में उनका गिरोह तकसीम हो गया। एक हिस्सा गया मगरिब की तरफ, यानी यूरोप के जो मुल्क हैं उनके तरफ गया, और दूसरा हिस्सा जो आया वो एशिया की तरफ आया। एशिया में जैसे हिंदुस्तान भी शामिल है तो हिंदुस्तान की तरफ आया। तो जो गिरोह मगरिब की तरफ गया उसे कनीटम कहा गया। इनकी नुमाइंदा ज़बानें यूरोप की यूनानी, लातिनी और जर्मन वगैरह हैं, यानी वो सब जो है यूरोपीय ज़बानों से ताल्लुक़ रखते थे जो मगरिब की तरफ हिजरत करके गए। और जो लोग मशरिक की तरफ हिजरत करके आए उनको कोश्तम कहा गया, और जो ईरान में ओस था और बाद में इसकी जदीद शक्ल फ़ारसी बोलते थे, यानी जो मशरिक में रहने वाले लोग थे वो या तो फ़ारसी बोलते थे या फारसी की एक शक्ल ओस्ता है वो ज़बान बोला करते थे। मशरिक की जानिब जो गिरोह आया उसमें से कुछ आर्यों का गिरोह हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। जो वैदिक काल में जो ऋग्वेद या यजुर्वेद लिखे गए या चारों वेद लिखे गए उनकी जो ज़बान संस्कृत है उसके हवाले से ये बात पता चलती है कि जो आर्य हिंदुस्तान में दाखिल हुए वो संस्कृत ज़बान बोलते थे और उनकी ज़बान संस्कृत थी। अब हिंद आर्य ज़बान को माहिर लिसानियात ने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। अभी तक आपने हिंद यूरोपी देखा, उसके बाद हिंद ईरानी देखा, और उसके बाद हिंद आर्याई पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हिंद आर्याई ज़बान आर्यों की ज़बान थी और माहिर लिसानियात ने इसको 3 हिस्से में तकसीम किया है। कदीम हिंद आर्याई जो 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक चली है, उसके बाद वस्ता हिंद आर्याई जो 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक गई है, और जदीद हिंद आर्याई जो 1000 ईस्वी से ताहाल ज़माना यानी कि अभी मौजूदा ज़माने तक जो चल रही है उसे हम जदीद हिंद आर्याई के हिस्से में रखते हैं। हिंद आर्याई ज़बानों का इर्तका कदीम हिंद आर्याई के हवाले से। कदीम हिंद आर्याई का ज़माना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक का ज़माना है, यानी कि ये 1000 साल का पूरा अरसा है। इस पर कदीम हिंद आर्याई मुहित है, यानी कदीम हिंद आर्याई
جب آرے ہندوستان میں داخل ہوئے تو شمال مغرب سرحد پر نمودار ہوئے اور 600 قبل مسیح تک یہی آرے پنجاب سے لے کر بنگال تک پھیل گئے۔ اس دور میں جس زبان کا ارتقا شمالی ہند میں ہوا اسے ہم سنسکرت کہتے ہیں، یعنی 1500 قبل مسیح میں جب آرے ہندوستان میں داخل ہوئے تو 1500 سے لے کے 600 قبل مسیح تک وہ پنجاب اور بنگال تک پھیل گئے۔ جیسے اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنجاب ہے اور یہاں بنگال ہے، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک اس پورے حصے میں آرے نے اپنا قیام کیا، یعنی وہ تمام حصوں میں وہ پھیل گئے۔ ڈاکٹر سدیشور ورما نے قدیم آریائی کو 5 منزلوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی قدیم آریائی جو زبان ہے اس کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا ماہر لسانیات نے اس کو 5 حصے میں تقسیم کیا ہے، جس کو پہلے عہد کو ویدک عہد کہتے ہیں۔ تو اس عہد میں چاروں وید لکھے گئے، یعنی کہ رگ وید، یجر وید، سام وید، ارتھ وید، یہ چاروں جو وید لکھے گئے ہیں وہ ویدک عہد میں لکھے گئے ہیں، اسے ویدک سنسکرت بھی کہا جاتا ہے۔ عہد پانینی، اس عہد میں پانینی کی اشٹ ادھیائے اور پانتنجلی کی مہابھاشیہ لکھی گئی، اور اس زمانے میں جو یہ دو کتابیں لکھی گئیں اس کو کہا جاتا ہے کہ سنسکرت جو ہے عالموں کی زبان بن گئی، یعنی کہ اعلیٰ طبقے میں، عالموں کے طبقے میں یہ زبان بولی جانے لگی۔ پھر رزمیہ منزل ہے، اس عہد میں مہابھارت لکھی گئی اور سنسکرت ادبی زبان بن گئی، یعنی کہ ادب میں، لٹریچر میں بھی سنسکرت کا استعمال کیا جانے لگا۔ پھر دینویں منزل ہے، اس دور میں سنسکرت سرکاری زبان بن جاتی ہے، یعنی کہ حکومت کے کام کاج میں بھی سنسکرت استعمال ہونے لگی۔ پھر ٹکسالی منزل ہے، اس عہد میں سنسکرت قواعد کی پابند ہو کر زبان خواص کی زبان بن جاتی ہے، یعنی سنسکرت اس طبقے تک تعلق رکھتی ہے جو طبقہ پڑھا لکھا ہے، یعنی کہ جو پڑھنے لکھنے کا شوق رکھتا ہے یا ادبی طبقہ ہے، اس طبقے کی زبان بن جاتی ہے، اور اس کے پہلو اور پہلو عوامی بولیاں پروان چڑھنے لگتی ہیں۔ یعنی چونکہ سنسکرت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہوگا کہ سنسکرت جو ہے ادبی زبان بن گئی تھی اور عوام سے اس کا تعلق ختم ہو گیا تھا، یعنی عوام سے کٹ کر الگ ہو گئی تھی، اور اس کے الگ ہو جانے کی وجہ سے سنسکرت کے پہلو و پہلو بہت ساری مقامی بولیاں پروان چڑھنے لگیں، جسے ہم پراکرت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہند آریائی کا جو پہلا دور ہے، 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کا زمانہ، اس میں سنسکرت الگ الگ منزل سے ہو کر گزرتی ہوئی عوامی بولیوں تک پہنچ جاتی ہے، یعنی سنسکرت ایک الگ زبان ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پراکرت یعنی دوسری بولیاں بھی پروان چڑھنے لگیں، جسے عوامی بولیاں بھی کہا جاتا ہے۔ اب قدیم ہند آریائی دور میں سنسکرت 3 معیاروں کی بتائی جاتی ہے۔ تو قدیم ہند آریائی دور میں سنسکرت کے جو ابھی 5 منزلیں دیکھی ہیں آپ نے، اس کے بعد یہ 3 قسم کی سنسکرت جو اس کی الگ الگ معیار ہے، یعنی کہ ادیچا یا معیاری سنسکرت، یہ ہندوستان کے شمال یا شمالی مغربی حصے میں بولی جاتی تھی، یعنی پنجاب اور اس سے ملحق علاقوں میں بولی جانے والی سنسکرت معیاری سمجھی جاتی تھی۔ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو سنسکرت بولی جاتی تھی اسے سب سے معیاری سنسکرت کہتے تھے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آر جب یہاں پہ داخل ہوئے تو یہاں پر ان کا یہ قیام تھا اور اس جگہ پر وہ رہا کرتے تھے، اس وجہ سے اس جگہ کی جو زبان تھی وہ سب سے زیادہ معیاری یا اچھی سمجھی جاتی تھی، جسے آپ شدھ سنسکرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مدھیہ دیش یا وسطی یا نیم معیاری، اس میں امبالہ سے لے کے الہ آباد تک کا علاقہ شامل ہے، اتر پردیش یہ ضلع آپ دیکھ رہے ہیں، پنجاب کا یہ علاقہ امبالہ، اور یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو علاقہ ہے یہ مدھیہ دیش کی زبان کہلا رہی ہے، اور اس میں جو زبان بولی جاتی تھی اسے نیم معیاری سنسکرت کہا جاتا ہے۔ پراچ یا مشرقی یا غیر معیاری سنسکرت، اس میں یو پی اور بہار کے علاقے شامل ہیں، یہ یو پی ہے اور یہ بہار کا حصہ ہے، تو یہ پورا حصہ جو شامل ہے، اتنے حصے میں جو سنسکرت یا جو زبان اس وقت بولی جاتی ہے اس کو ہم غیر معیاری کہتے ہیں۔ چونکہ یہ علاقہ اس علاقے سے کافی دوری رکھتا ہے، تو اس وجہ سے آر اس علاقے میں بولی جانے والی زبانوں کو غیر معیاری تصور کرتے تھے، اس وجہ سے اسے غیر معیاری سنسکرت یا غیر معیاری زبان کہا جاتا ہے۔ اب گیان چند جین جو کہ بڑے محقق ہیں، انہوں نے ہند آریائی کو 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے، ایک ویدک سنسکرت اور ایک کلاسیکل سنسکرت۔ انہوں نے جو سنسکرت کو تقسیم کیا، انہوں نے ویدک سنسکرت، جیسے کہ میں نے پچھلی سلائڈ میں آپ کو دکھایا کہ ویدک عہد میں جو یہ وید لکھے گئے اور جو اشٹادھیائی لکھی گئی، پاتنجلی لکھی گئی، یہ سب کتابوں کو انہوں نے ویدک سنسکرت میں، اور کلاسیکل سنسکرت جو ادبی سنسکرت ہے اور جو کچھ اور دیگر لوگ بولتے تھے اس کو انہوں نے کلاسیکل سنسکرت میں رکھا ہے۔ اب وسطی ہند آریائی 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ، یعنی وسطی ہند آریائی جو آپ کہہ سکتے ہیں بیچ کا جو کال ہے، یعنی مدھ کال جسے کہہ سکتے ہیں، اس میں جو زبان پروان چڑھتی ہے اسے ہم وسطی ہند آریائی کہتے ہیں۔ وسطی ہند آریائی میں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پالی ہے، پراکرت ہے اور ابھرنش ہے۔ یہ ہند آریائی کا جو یہ دور ہے یہ کافی وسیع دور ہے، جس کے 3 حصے ہیں، پہلی پالی ہو گئی، دوسری پراکرت ہو گئی اور تیسری ابھرنش ہو گئی۔ تو پالی جو زبان ہے
उसका पहला दौर इस वस्ता हिंद आर्याई का पाली कहलाता है, जिसका ज़माना 500 कबल मसीह से 1001 ईस्वी तक का ज़माना है, यानी कबल मसीह से ईसवी सन जब शुरू होता है तब तक का ज़माना पाली का ज़माना कहलाता है। और पाली ज़बान में जैन और बुद्ध मत की तालीम दी जाती थी, यानी गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे जो लोग थे जो जैन और बुद्ध मत बौद्ध धर्म को के रहनुमा कहे जा सकते हैं, उन लोगों ने जो अपनी तालीमात दी है वो पाली ज़बान में दी है, यानी पाली संस्कृत से अलग ज़बान हो गई। प्राकृत दूसरा दौर आता है जो 501 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का ज़माना है, यानी कि जहाँ से सन ईस्वी सन शुरू हो रहा है वहाँ से लेके 500 ईस्वी तक, यानी 500 साल तक का ये ज़माना है। और इसमें प्राकृत के माने यानी फितरी ज़बान के हैं, यानी संस्कृत चूँकि अदबी ज़बान थी, खवास के तबके की ज़बान थी, इसलिए प्राकृत ज़बान परवान चढ़ी जिसे फितरी ज़बान कहते हैं, जिसमें कवायद वगैरह का कोई कानून नहीं था, जैसे हम आम बोलचाल की ज़बान में बोलते हैं जो ज़बान उसे प्राकृत कहते हैं, जैसे आजकल हम हिंदी उर्दू इंग्लिश मिक्स करके जो ज़बानें बोलते हैं उसी तरह से प्राकृत एक फितरी ज़बान थी जो आवाम बोलती थी, जिसमें कई ज़बानों के अल्फाज शामिल थे, वो प्राकृत थी। तो इस प्राकृत के अदबी नमूने भी हमें मिलते हैं, जैसे बुद्ध और जैन मतों की मजहबी किताबों में अशोक की लाटों पर मिलते हैं। और पाली बुनियादी तौर पर मगधी ज़बान थी, जहाँ मागधी प्राकृत का भी इर्तका होता है। तो पाली जो थी मागधी इलाके यानी मागध का इलाका जो बिहार का इलाका कहलाता है वहाँ पर थी, इसे मागधी प्राकृत भी कहा जाता है। अब प्राकृत की 5 किस्में बयान की गई हैं। अब प्राकृत में भी हम आएंगे, कुछ किस्में प्राकृत की हैं जिसको हम देखेंगे कि अलग अलग इलाके में अलग अलग किस्म की प्राकृत बोली जाती है। जैसे महाराष्ट्री या जुनूब की प्राकृत है, इसी मराठी इसी प्राकृत से निकली है। शोरसेनी, इसका मरकज मथुरा का इलाका है और संस्कृत के बाद आला तबके की ज़बान ये समझी जाती थी। मगधी, ये पूरे मशरक़ी हिंदुस्तान में बोली जाती थी, इसका मरकज़ जुनूबी बिहार था। आर्य इसे हकारत की नज़र से देखते थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आर्य जो है आखिरी दौर की जो ज़बान थी जिसे प्राच्य कहते हैं यादि, तो वो जो है गैर मयारी समझी जाती थी। तो उसी की एक शक्ल मगधी है जिसको आर्य हकारत की नज़र से देखते थे। अर्ध मगधी है, इसका मकाम अवध और मशरक़ी उत्तर प्रदेश है। मगरबी हिंदुस्तानी इसी मगरबी हिंदुस्तान से इसे भी प्राच्य कहते हैं। पेशाची, ये कश्मीर और पंजाब के इलाके में बोली जाती थी। अब इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि ये महाराष्ट्र का इलाका है, ये महाराष्ट्र में मराठी बोली जा रही है। शोरसेनी का इलाका मथुरा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का इलाका जो है वहाँ बोली जा रही है। मगधी पूरे मशरक़ी हिंदुस्तान में बोली जाती है, यानी कि ये पूरा जो इलाका है इस पूरे इलाके में बोली जाती है, जिसमें बिहार का इलाका भी शामिल हो गया है। अर्ध मागधी है, ये मशरक उत्तर प्रदेश में बोली जा रही है, यानी कि ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, ये छोटा जो इलाका है यहाँ बोली जाती है। पिशाची, कश्मीर और पंजाब के इलाके की ज़बान है, यानी पंजाब ये और कश्मीर ये, तो इन दोनों इलाके में जो ज़बान बोली जाती है वो प्राकृत है। तो ये प्राकृत के 5 अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग इलाकों में बोली जा रही हैं। इसके बाद इसका जो वस्ता हिंद आर्याई का जो तीसरा हिस्सा वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश के मतलब होते हैं बिगड़ी हुई ज़बान के, यानी कि जो ज़बान जिसमें कवायद की कोई पाबंदी नहीं है, अल्फाज की कोई पाबंदी नहीं, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, उसे अपभ्रंश कहेंगे। अब अपभ्रंश की ये कुछ किस्में हैं, 3 किस्में हैं इसको देखिए। जैसे नागर अपभ्रंश, ये गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी, इस पर शोरसेनी प्राकृत का बहुत असर देखा जा सकता है। ब्राचौर अपभ्रंश, जो सिंध में राज थी और सिंध से निकली थी, सिंध का इलाका ये है, यहाँ से निकली हुई जो अपभ्रंश है। गुजरात और राजस्थान का जो इलाका है, ये गुजरात और राजस्थान का जो इलाका है इस जगह से निकली है। और नागर अपभ्रंश जो है, नागर उपनागर अपभ्रंश है, ये नागर अपभ्रंश और ब्राचौर के से बनी हुई ज़बान है। इसका रवाज मगरबी राजपुताना और जुनूबी पंजाब के इलाकों में था, यानी कि पंजाब का जो इलाका ये और राजस्थान जो राजपुताना, यानी राजस्थान जो इससे लगा हुआ इलाका है, पंजाब और राजस्थान के इलाके में ये ज़बानें बोली जाती थी। रफ्ता रफ्ता अपभ्रंश एक अदबी ज़बान बन गई, जिसके नतीजे में जदीद ज़बानों का आगाज़ हुआ। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों का इर्तका प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से मिलाया जा सकता है। जैसे कि हम हिंद आर्याई का इर्तका पढ़े हैं, तो अपभ्रंश के बाद जैसे संस्कृत से सीधा जदीद ज़बानों का मेल नहीं मिल पाता, बल्कि उसके बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से जो है हम जदीद ज़बानों का सिलसिला मिला सकते हैं।
ये अपभ्रंश के कुछ इलाके हैं जो अलग अलग इलाकों में बोली जाने वाली अपभ्रंश है, जैसे शोरसेन या अपभ्रंश, ये शोरसेन यानी मथुरा के इलाके में बोली जाती है। अब तक आपको नक्शा देख के समझ में आ गया होगा कि मथुरा का इलाका कहाँ है, उत्तर प्रदेश के ज़िले में है। तो ये खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और पहाड़ी बोलियाँ, ये तमाम बोलियाँ जो हैं शोरसेनी अपभ्रंश के ज़िले में आएंगी। मागधी अपभ्रंश, ये बहुत बड़े इलाके में बोली जाती है, बंगाल में गौड़ और ढकई कहलाती है, मौजूदा बंगाली और आसामी इसी से निकली है। उड़ीसा में इसका नाम उत्कली पड़ा, बिहार में मागधी के नाम से जानी जाती है। यानी कि मागधी अपभ्रंश में तमाम बोलियाँ आएंगी। अर्धमागधी अपभ्रंश, यह बिहार से इलाहाबाद तक के इलाके में बोली जाने वाली जबान है। महाराष्ट्री, जो महाराष्ट्र के इलाके में बोली जाने वाली जबान है। प्राचंड और कैकई अपभ्रंश, प्राचंड से सिंधी और कैकई से लहिंदा निकली है। कि प्राचंड से सिंधी यानी जो पंजाब के इलाके में बोली जाती है और कैकई से लहिंदा निकली है, ये भी सिंध से मुल्हिक इलाका है, उस इलाके में बोली जाती है। तो जदीद ज़मानों का ताल्लुक अपभ्रंश और प्राकृत के वसीले से संस्कृत से जाके मिलता है। यानी जो जदीद ज़बानें हैं, पहले अगर आप नीचे से इनको उठाएंगे तो पहले अपभ्रंश जाएंगे, उसके बाद प्राकृत जाएंगे, उसके बाद संस्कृत, यानी संस्कृत से इस तरीके से मिलता है। यानी कि ये कई हिस्सों में, कई जगह से, कई अदवार से होती हुई जदीद ज़बान तक पहुंचती है। अब हम जदीद हिंद आर्याई ज़बान जो है 1000 ईस्वी से जो ज़माना उसका ताहाल तक है उसका, उसको देखेंगे ये ज़बानें कौन सी हैं और किन किन इलाकों में बोली जाती हैं। तो हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की गिरोबंदी इस तरह से की गई है। इसमें शमाल मगरब हिंदुस्तान की ज़बान है जिसमें लहिंदा और सिंधी आती है। लहिंदा मगरबी पंजाब की ज़बान है, यानी कि शमाल मगरब, यानी कि शमाल मगरब का जो इलाका है, ये इलाका जो हिंदुस्तान का आप देख रहे हैं, इस इलाके में जो बोली जाने वाली ज़बान है वो लहिंदा और सिंधी है। सिंधी सूबे सिंध में बोली जाती थी और इसका रस्मुलखत अरबी है। सिंधी की खासियत यह है कि वो अरबी रस्मुलखत में लिखी जाती है। जुनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बानें गुजराती और मराठी। अब जुनूबी हिंदुस्तान की जो ज़बानें हैं गुजराती और मराठी, मराठी महाराष्ट्र में और गुजराती गुजरात में, ये इलाका गुजरात और महाराष्ट्र का आप देख रहे हैं, इन दोनों इलाकों में बोली जाने वाली जुनूबी हिंद की ज़बानें ये कहलाती हैं। अब मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें जिसमें आसामी, बंगाली, उड़िया और बिहारी शामिल है, यानी कि आसामी, बंगाली, उड़िया और बिहारी शामिल है, ये जो हिस्सा है मशरक़ी हिंदुस्तान का, इस इलाके में ये ज़बानें बोली जाती हैं। बिहारी की 3 बोलियाँ काबिल ज़िक्र हैं जिसमें मैथिली, मगधी और भोजपुरी। ये तीनों ज़बानें बिहारी ज़बान की ज़ेली ज़बानें आप इसे कह सकते हैं, ये बिहार के इलाकों में बोले जाने वाली ज़बान है, इसलिए इसका ज़िक्र यहाँ पर किया गया है। मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बान है मशरक़ी हिंदी। ये मशरक़ी हिंदी काफ़ी अहम बोली है। इसके ज़ेल में जो बोलियाँ आती हैं वो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये तीनों बोलियाँ मशरक़ी हिंदी की अहम बोलियाँ हैं जो मशरक़ी हिंदुस्तान में बोली जाती हैं। जो ये वाला इलाका है आप इसमें देख सकते हैं, इस इलाके में बोली जाती है। अब मध्य देश की ज़बान मगरबी हिंदी। हमारी जो ज़बान है हिंदी या उर्दू जिसे हम कहते हैं, हमारे ये ज़बान का ताल्लुक़ मध्य देश की ज़बान से है जो मगरबी हिंदी कहलाती है। और मगरबी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। ये 5 बोलियाँ मगरबी हिंदुस्तान की बोलियाँ कहलाती हैं और इन बोलियों में हमारी बोली का ताल्लुक़ खड़ी बोली से है। ठीक है, हिंदी और उर्दू ये दोनों खड़ी बोली से ताल्लुक़ रखती हैं। ये इस इलाके में बोली जाने वाली ज़बान है। ये पूरा नई दिल्ली से लेकर ये जो पूरा इलाका है यहाँ तक आप इसको छोड़ दीजिए, ये मगरबी उत्तर प्रदेश जो है इस इलाके में बोली जाने वाली ये ज़बानें हैं। अब इन 5 ज़बान को देखिए कि ये किस किस इलाके में बोली जाती है। ब्रजभाषा, इसका मरकज़ मथुरा है लेकिन आगरा, भरतपुर, धौरपुर, रियासत ग्वालियर और जयपुर के मशरक़ी अज़ला तक ये फैली हुई है। यानी कि ब्रजभाषा जो है इन इलाकों में बोली जाती है। बुंदेली, ये बुंदेलखंड में बोली जाती है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के उसमें। कन्नौजी, जो शहर कन्नौज और ज़िला फ़ारुखाबाद के आसपास में बोली जाने वाली ज़बान है। हरियाणवी, जो कि दिल्ली के शमाल मगरब अज़ला, करनाल, रोहतक, हिसार वगैरह में बोली जाती है। हरियाणवी यानी कि ये जो हरियाणा का जो इलाका है, ये छोटा सा, इस इलाके ऑरेंज कलर में जिसे आप देख रहे हैं, इस इलाके में ये ज़बान बोली जाती है। खड़ी बोली, ये मगरबी रोहिलखंड, दोआबा के शमाली हिस्से और पंजाब के ज़िला अम्बाला में बोली जाती है। ये खड़ी बोली जिसका ताल्लुक हमारी हिंदी और उर्दू दोनों से है, ये इस इलाके में बोली जाने वाली ज़बान है। अब इसके अलावा मध्य देश की ज़बान से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें, अब ये मध्य देश जो है इसमें पहाड़ी बोलियाँ, कमायूनी, गढ़वाली, गुजराती,
राजस्थानी की मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, मेवाती और पंजाबी, ये तमाम बोलियाँ मध्य देश की ज़बान है। तो इस तरह से मशरक़ी हिंद, इस तरह से हिंद आर्याई ज़बानों का जो इरतका था, आपने देखा कि किस किस तरह से इलाके वाइज ये ज़बानें एक दूसरे से कभी कभी कनेक्ट भी हैं और कभी अलग भी हो जाती हैं, लेकिन अलग अलग इलाकों में अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं। अगर आप इस तमाम ज़बानों की कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मसूद हुसैन खां की किताब मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू पढ़ सकते हैं। उस किताब को पढ़ने से अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है या कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो क्लियर हो सकता है। बहुत शुक्रिया।